हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। जैसे कि आप जानते हैं, हम राखी सावंत के केस को लेकर चल रहे थे, आदिल खान और राखी सावंत के केस को, जिस पे राखी सावंत ने आदिल खान पे केस किया था। लेकिन अभी उनका एक न्यू एक सॉन्ग लॉन्च हुआ था, जिसकी लॉन्च पार्टी थी। ये लॉन्च की उनकी वो सेरेमनी थी जब उन्होंने इस सॉन्ग लॉन्च किया। बहुत ही धूमधाम से ये सॉन्ग को लॉन्च किया गया, और साथ ही साथ आपको सुनवाते हैं कि राखी सावंत का क्या कहना है। म्यूजिक वीडियो देखने के बाद तो रोज मैं प्रे करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, प्रे करती हूँ कि वो सारी यादें मेरे दिल और दिमाग मेरे डीएनए में से निकल जाए। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन राखी सावंत ने मीडिया से साथ साथ गुफ्तगू की और बात की कि आदिल खान के साथ जो कुछ उनके साथ गुजरा एक साल में, वो उन्होंने सोचा भी नहीं था। और जिस तरह से वो सब कुछ हुआ, वो काफ़ी इमोशनल भी हो गई बताते हुए, और आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। जो एक साल में मैंने पहले बताया कि एक साल में मेरे साथ आप सोच नहीं सकते, नारी शक्ति वुमेंस डे ऐसे ही नहीं मनाया जाता, मैंने जो सहा है ना। साथ ही साथ राखी सावंत का ये भी कहना था कि मैं शायद बहाना बनी, उन सब लड़कियों की आवाज़ बनी जिनके साथ आदिल खान ने धोखा किया था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं उन सब लड़कियों की मदद कर सकी। मैं खुदा को बोली, मैं क्यों, वाई मी, मैं बोल्ड हूँ, मेरी लाइफ में आना और ये ब्लास्ट होना, आप यकीन मानिए खुदा की कसम, क्यों जो लड़कियां हैं, जो भाई बर्बाद करिए उन लड़कियों के, आप वीडियोज मैसेजेस देखेंगे, हाथ पैर जोड़ रही है। राखी सावंत ने काफ़ी डिटेल से अपने इस इशू पे बात की कि उनकी मैरिटल लाइफ में क्या कुछ उन्होंने सहा, और इस तरह से उन्होंने बताया कि दो लड़कियां हम हैं जो आवाज़ उठाई हैं जिन्होंने आदिल खान के अगेंस्ट, एक वो ईरानी लड़की और एक मैं। जब हम बोले तो हमें पता लगा कि आदिल खान ने यही सब बहुत लड़कियों के साथ किया, लेकिन वो इस सबसे कवर कर रही हैं और अपने काम पर फोकस कर रही हैं। इसके से मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल की। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।